हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज हम अपनी एक्सरसाइज वन पॉइंट सिक्स करेंगे क्लास सिक्स की आर डी शर्मा की इसमें आठ ही क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं देखो राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट टेन अब राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है राउंड ऑफ़ का मतलब होता है आसपास ठीक है क्या आसपास कि भाई जो ये नंबर है ना जैसे एट्टी फोर है तो इसके आसपास का नंबर जो है ना ढूंढना है अब हमने क्या बोला इसने नियरेस्ट टेंथ बोला इसका मतलब क्या होता है कि जो टेंथ प्लेस होता है ना उससे पहले वाला नंबर देखना है अगर टेंथ प्लेस से देखो मान लो ये जो वो टेंथ प्लेस है अगर यहाँ पर फाइव या उससे लेस नंबर फाइव से लेस नंबर है तो यहाँ जो है वो सेम रहेगा नंबर अगर यहाँ पर फाइव से और फाइव से फाइव और फाइव से ऊपर अगर नंबर है तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा वही होता है राउंड ऑफ जैसे हम कभी भी बोल देते हैं ना मान लो कोई चीज जो वो में 99 रुपीस की पड़ रही तो हम उसका ऐसे बोल देते हैं ना कि भई हाँ 100 रुपीस की है तो वो क्या हो गया राउंड ऑफ हो गया ठीक है मतलब उसके आसपास का नंबर तो अब ये देखो जैसे एटी फोर है इसने नियरेस्ट टेंस बोला तो हम जब टेंस बोला होता है ना तो उससे पहले वाला नंबर यानी उससे पहले वाला प्लेस जो वो देखते हैं यानी वंस प्लेस अगर वंस प्लेस फाइव या उससे ज़्यादा है तो इधर एक ऐड हो जाएगा अदरवाइज़ ये जो है ना डिज़िट ये ज़ीरो बन जाएगा और ये सेम रह जाएगा ठीक है तो जैसे फर्स्ट ये है हमारे पास एट्टी फोर तो देखो हमारे पास ये नियरेस्ट टेंस बोला तो हम वंस देखेंगे अब ये तो क्या फाइव से लेस है तो ये क्या हो जाएगा एटी ठीक है अब ये फाइव से क्या है ज़्यादा है तो इसको क्या लिख देंगे हम नाइन्टी इधर प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा टेन ठीक है ये कितना हो जाएगा हमारे पास हंड्रेड ठीक है अब ये भी यहाँ भी देखना है ये वाला तो ये क्या है फोर है कम है क्या लिख देंगे नाइन एट ज़ीरो यहाँ पर देखा है ज़्यादा तो ये क्या हो जाएगा एट वन जीरो ठीक है ऐसे में राउंड ऑफ करना है तो बाकी के भी हम सेम कर लेंगे ये देखो यहाँ पर नियरेस्ट टेंथ देखना था ये क्या हमारे पास एट है यहाँ प्लस हो जाएगा ये टेन हो जाएगा अब टेंथ तो लिख नहीं सकते तो इधर भी प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा वन जीरो ज़ीरो ठीक है थाउजेंड ही हो जाएगा ये अब हमने यहाँ चेक करा नियरेस्ट टेंथ तो ये क्या इधर प्लस हो जाएगा और इधर वाला क्या इधर आ जाएगा तो ये कितना हो गया वन टू वन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है सेम ऐसे ही अब ये वाला इधर क्या है एक ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा टेन नाइन वन ज़ीरो ठीक है यहाँ वाला जो ये भी इधर ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट नाइन थर्टी ठीक है इस तरह से हमने क्या कर दिया नियरेस्ट टेन ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट हंड्रेड अब हंड्रेड देखना है तो इसका मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा हंड्रेड से पहले वाला डिजिट देखना पड़ेगा अगर हंड्रेड से पहले वाला डिजिट फाइव या फाइव से ग्रेटर है तो उधर एक ऐड हो जाएगा अगर इससे लेस है तो क्या है कुछ भी ऐड नहीं होगा सेम हम ऐसे ही करते हैं ये देखो अब फर्स्ट वाला ये है हंड्रेड का बोला है तो हम टेंथ वाला चेक करेंगे ये क्या एट फाइव से ज़्यादा है तो इधर क्या हो जाएगा एक एड अब इसको टेन तो लिख नहीं सकते तो इधर भी क्या हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे फोर ज़ीरो 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 ठीक है अब यहाँ भी हंड्रेड प्लेस वाला देखना है तो हम यहाँ भी देखेंगे एट है इधर ऐड हो जाएगा सेवन थ्री हंड्रेड ठीक है अब ये देखो थर्ड वाला अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है हंड्रेड प्लेस पे तो ये देखो टेंथ पे सेवन है यानी कि फाइव से ज़्यादा है तो हम इधर क्या कर देंगे एक ऐड और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एट वन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है यहाँ भी यहाँ पे क्या हमारे पास टू है इसको तो ऐड नहीं करेंगे तो ये क्या लिख देंगे हम्पल हम सिंपल फोर्टीन सिक्स जीरो जीरो ठीक है अभी हंड्रेड के नियरेस्ट हो गया ना ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन इसके कुछ पार्ट्स बचे हैं चलो हम आगे देखते हैं वो ये देखो हमें हंड्रेड के नियरेस्ट करना है तो हमें ये देखना है यहाँ पर क्या है आगे नहीं होएगा तो हम इसको क्या लिख देंगे टू एट एट ज़ीरो ज़ीरो सेम इस तरह से इसको एट है ये एक ऐड हो जाएगा क्योंकि ये फ़ाइव से ज़्यादा है फोर ट्वेंटी फोर ज़ीरो ज़ीरो अब यहाँ पर भी सेवन फाइव से ज़्यादा है सिंपल तो हम क्या लिखेंगे फोर्टी थ्री सिक्सटी एट अब यहाँ पर इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा टेन हम लिख नहीं सकते तो इधर एक ऐड हो जाएगा ये देखो यहाँ पर नाइन हो जाएगा यहाँ पर बच जाएंगी ज़ीरो ज़ीरो ठीक है इधर देखो अब यहाँ पर नाइन है इसमें भी एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये सेवन फोर्टी टू नाइन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है ये हमारा क्या था सेकंड क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं राउंड ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स टू नियरेस्ट थाउजेंड अब हमें क्या चेक क्या लाना है थाउजेंड के नियरेस्ट नंबर लाना है तो थाउजेंड के नियरेस्ट हम कब लाएंगे जब हम हंड्रेड प्लेस चेक करेंगे सिंपल फिर से वही फंडा यूज़ करना है क्या कि अगर हंड्रेड वाला प्लेस फाइव से ज़्यादा हुआ या फ़ाइव हुआ तो एक ऐड हो जाएगा नहीं तो एज इट इज़ रह जाएगा बस यही हम दोबारा से यूज़ करेंगे अभी देखो यहाँ पर ये हंड्रेड वाला प्लेस अब फाइव से क्या है कम है तो इसको हम क्या लिख देंगे ऐसे कैसे टू ज़ीरो ज़ीरो ये हंड्रेड वाला प्लेस फाइव से ज़्यादा तो हम इसको क्या लिख देंगे एट जीरो ज़ीरो ज़ीरो ठीक है बे फिर से कम है तो इसको क्या लिखेंगे फ़ोर ज़ीरो 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 ये देखो यहाँ पे ये फ़ाइव है तो इधर प्लस कर देंगे कितना जगह टेन ज़ीरो 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 इधर ज़ीरो ही है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे एज़ इट इज़ लिख देंगे ठीक है मतलब थाउजेंड बोला ना तो उससे पहले वाला प्लेस चेक करना होता है हमें अभी देखो ट्वेंटी वाला है ट्वेंटी इसमें देखो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन हो जाएगा है ना इधर देखो फ़ाइव को इधर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा फोर लैख थर्टी सेवन ज़ीरो जीरो जीरो मतलब यही है कि अगर थाउजेंड बोले तो उससे पहले वाला प्लेस चेक करना अभी देखो यहाँ पर थाउजेंड वाला ये इधर हम क्या रख देंगे उसको प्लस करके टेन हो जाएगा ये भी ठीक है क्योंकि क्या है फाइव से ज़्यादा हैं तो हम इसको इधर लिख देंगे ये था हमारा था थर्ड क्वेश्चन अब फोर्थ देखो राउंड ऑफ ईच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड अब हमें नियरेस्ट टेंस हंड्रेड और थाउजेंड ये सारे नंबर राउंड ऑफ़ करना है अभी देखो नाइन सिक्स फोर लिखा हुआ तो अगर टेंस के नियरेस्ट करना तो हमें फोर चेक करना है फोर तो बढ़ेगा नहीं तो क्या हो जाएगा ये नाइन सिक्स ज़ीरो हम यहाँ लिख देंगे नाइन सिक्स जीरो थाउजेंड के प्लेस देखना था सिक्स वाला है तो ये इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा थाउजेंड हो जाएगा और थाउजेंड के लिए तो वर्ड ही नहीं है तो हम इसको क्या है इसको छोड़ ही देंगे यहाँ पे ठीक है छोड़ देंगे अब सेकंड देखो पार्ट इसका वन जीरो फोर नाइन तो अगर टेंथ का प्लेस देखें तो ये जो है नाइन फाइव से ज़्यादा है कितना हो जाएगा इधर एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन जीरो फ़ाइव ज़ीरो हम यहाँ लिखेंगे वन ज़ीरो फ़ाइव ज़ीरो लेकिन वैसे तो ये क्या है टेंथ प्लेस पे देखें तो क्या है फोर एड नहीं होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 ठीक है थाउजेंड के लिए देखिए तो फिर से ज़ीरो तो यहाँ यहाँ पर थाउजेंड के लिए भी क्या बच जाएगा ये वन जीरो सॉरी वन ज़ीरो जीरो ठीक है अब थर्ड प्लेस है थर्ड प्लेस में बोला है इसने फोर फाइव सिक्स थ्री फोर तो लास्ट में फोर डिजिट है तो ऐड नहीं होएगा हम क्या लिखेंगे फोर फाइव सिक्स थ्री जीरो अब यहाँ पे थ्री है तो ये भी ऐड नहीं होगा तो क्या लिखेंगे फोर फाइव सिक्स ज़ीरो ज़ीरो अब यहाँ पर सिक्स है तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा फ़ोर सिक्स जीरो ज़ीरो ज़ीरो ठीक है लास्ट है सेवन नाइन ज़ीरो एट फाइव तो लास्ट में फ़ाइव है इसका मतलब क्या है ये यह देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है फाइव है तो इसमें हमें यहाँ क्या लिखेंगे सेवन नाइन ज़ीरो नाइन ज़ीरो ठीक है क्योंकि यहाँ पर एट है तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है सेवन नाइन इसमें जो नाइन है इसमें वन हो जाएगा यहाँ पर वन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है अब इस प्लेस पे वंस आता है यहाँ जीरो आता है तो इसका मतलब ये सेम रह जाएगा सेवन नाइन जीरो जीरो ज़ीरो ठीक है ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था फिफ्थ क्वेश्चन देखो राउंड ऑफ द फॉलोइंग मेजर टू नियरेस्ट हंड्रेड हंड्रेड के नियरेस्ट देखना है तो हंड्रेड के नियरेस्ट देखना है तो हमें क्या टेंस वाला प्लेस देखना पड़ेगा यहाँ देखो सिक्स है तो हम क्या है फाइव से ज़्यादा है तो हम इधर क्या कर देंगे एक एड तो यहाँ क्या लिख देंगे रुपीज़ सिक्स सेवन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है नेक्स्ट है इसमें अभी देखो फ़ाइव है तो इसको फिर भी ऐड करेंगे हम क्योंकि हमें पता है कि अगर फ़ाइव हो और फाइव से ज़्यादा हो तो हम ऐड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा रुपीज़ नाइन जीरो ज़ीरो ठीक है यहाँ पर जो है वो हंड्रेड वाला देखना है तो ये टू है कुछ भी ऐड नहीं होगा रुपीज़ थ्री फोर ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पर जो वो खुद ज़ीरो है सॉरी एट है टेंथ प्लेस तो हम यहाँ क्या कर देंगे रुपीज़ नाइन वन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है यहाँ पर किलोमीटर हंड्रेड हंड्रेड के नियज़ देखना था तो टेंथ प्लेस देखना पड़ेगा देखो सिक्स है ऐड हो जाएगा ना तो ये लिख देंगे वन थ्री ज़ीरो ज़ीरो किलोमीटर यहाँ पर वन है तो कुछ ऐड नहीं होगा फ़ोर ज़ीरो ज़ीरो मीटर यहाँ पर फाइव है तो फिर से ऐड हो जाएगा सिक्स ज़ीरो ज़ीरो सेंटी यहाँ पर देखो एट है फ़ाइव से ज़्यादा तो ये क्या हो जाएगा टू फाइव ज़ीरो ज़ीरो मीटर यहाँ पर सिक्स है तो ये भी ऐड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा फ़ोर ज़ीरो ज़ीरो ग्राम ठीक है यहाँ पर जो फो फोर है तो इसको ऐड नहीं करेंगे हम ये क्या हो जाएगा नाइन जीरो जीरो किलोग्राम यहाँ पर देखो थ्री है तो ऐड नहीं होएगा सिंपल लिख देंगे टू सेवन ज़ीरो ज़ीरो बस यही कोई यूनिट ही नहीं है अब आगे देखो एट टू ज़ीरो टू है नहीं ऐड होएगा हम लिख देंगे एट हंड्रेड मिली ग्राम ठीक है बस ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था अब हमारे पास थोड़े से क्वेश्चन और बचते हैं वो देख लेते हैं सिक्स क्वेश्चन ये देखो लिस्ट ओल्ड द नंबर्स विच आर राउंडेड ऑफ़ टू द नियरेस्ट टेंस एस थ्री सेवन जीरो अब इसमें क्या बोला है कि उन सारे नंबर्स की लिस्ट बनाओ जिनका राउंड ऑफ़ जो है वो थ्री सेवन जीरो होगा तो थ्री सेवन जीरो राउंड ऑफ कब होगा यहाँ पर अगर नाइन हो और यहाँ पर क्या हो सिक्स हो ठीक है तो भी हो जाएगा यहाँ पर एट हो सेवन हो यहाँ पर जो वो फाइव हो सकता है ठीक है तो फाइव से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्या सिक्स हो सकता है तो हम थ्री सिक्स फाइव इसका राउंड ऑफ़ करेंगे इधर ऐड हो, हो जाएगा थ्री सेवनटी हो जाएगा थ्री सिक्स सिक्स का भी राउंड ऑफ यही होगा थ्री सिक्स सेवन का भी यही होएगा थ्री सिक्स एट का भी यही होएगा थ्री सिक्स नाइन का भी यही होएगा सेवन ज़ीरो जीरो सॉरी थ्री सेवन जीरो का भी होएगा और थ्री सेवन वन का भी होएगा क्योंकि ऐड नहीं होएगा तो राउंड ऑफ यही जाएगा थ्री सेवन टू का भी होएगा थ्री सेवन थ्री का भी होएगा थ्री सेवन फोर का भी होएगा क्या थ्री सेवन फाइव का होएगा नहीं क्यों क्योंकि फाइव हो गया तो इधर ऐड हो जाएगा थ्री एट जीरो हो जाएगा तो यहीं तक अब देखो कितने नंबरस आए इसके बीच में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी हम लगभग जो है वो दस डिजिट जो है उनका राउंड ऑफ एक निकाल सकते हैं एक जैसा ठीक है प्लेसेस के अकॉर्डिंग क्योंकि अगर यहाँ टेंस प्लेस बोला है तो टें प्लेस के अकॉर्डिंग दस आ सकते हैं हंड्रेड प्लेस के अकॉर्डिंग हंड्रेड आ सकते हैं ठीक है वन प्लेस के अकॉर्डिंग जो वो उतने ही आएंगे वन ही आएगा फिर तो ठीक है अब ये देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर विच आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड एज नाइन हंड्रेड तो इसने बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसका राउंड ऑफ़ करेंगे हम तो वो नाइन हंड्रेड बनेगा ठीक है तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ तो पक्का एट ही होएगा अब यहाँ पर ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या लाया जाए कि जिसको ऐड करते इधर नाइन हो जाए तो वो फाइव ही है और यहाँ तो जीरो ही होएगा इसको अगर हम एक ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा और इधर ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर फोर होएगा तो हम इसको इधर ऐड नहीं कर पाएंगे ठीक है ना तो वो जो है ये है स्मॉलेस्ट नंबर अब हमें ग्रेटेस्ट ढूंढना है तो ग्रेटेस्ट क्या है ग्रेटेस्ट तभी होगा जब यहाँ पर नाइन बच पाएगा ठीक है नाइन फाइव जीरो करेंगे तो हंड्रेड हो जाएगा तो उससे छोटा क्या बचा नाइन फोर नाइन क्योंकि फोर ही ऐसा वर्ड है ग्रेटेस्ट वाला जिसको कुछ भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अगर यहाँ फाइव लेंगे या कोई लेंगे तो उसको क्या है? एक ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ गया स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर देखो एट्थ क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड एज नाइन हंड नाइन थाउजेंड ठीक है अब हमें थाउजेंड्स के प्लेस में देखने हैं स्मॉलेस्ट सेम हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एट ठीक है थाउजेंड यानी कि यहाँ पर हमें क्या डिजिट चाहिए स्मॉलेस्ट के रूप में फ़ाइव चाहिए तभी हमारा स्मॉलेस्ट बन पाएगा क्योंकि पिछली बार की तरह ही अगर हमें लार्जेस्ट चाहिए तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा नाइन ही और यहाँ पर क्या फोर नाइन जीरो कुछ भी ले लो बस यहाँ फोर होना चाहिए ठीक है क्योंकि हमें थाउजेंड के नियरेस्ट बोला है ना थाउजेंड के नियरेस्ट हमें हंड्रेड प्लेस ग्रेटेस्ट ये स्मॉलेस्ट यही हो सकता है क्योंकि इसके बाद तो जो है वो ऐड ही नहीं हो पाएगा और ग्रेटेस्ट यही हो सकता है क्योंकि इसके बाद तो ऐड होना शुरू हो जाएगा तो हमें ऐसे ही नंबर्स ढूंढने हैं ठीक है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के लिए स्मॉलेस्ट हमें वो नंबर लेना है वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है कि जिसको ऐड करने से दूसरा एक बढ़ जाए तो वो स्मॉलेस्ट नंबर पाँच होता है जिसको ऐड करने से बढ़ जाए और वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आएगा कि जिसको जो है वो ऐड uh, ना करें तो वो जो है मतलब उसको ऐड करें भी तो वो होगा नहीं तो वो सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर चार ही है ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है राउंड uh, ऑफ के लिए वो फाइव है और ग्रेटेस्ट नंबर जो है राउंड ऑफ के लिए वो क्या है फोर है ठीक है ये चीज़ अपना ध्यान रखना यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तब तक के लिए बाय लास्ट एक्सरसाइज बची इसकी वन पॉइंट सेवन वो करेंगे हम कल तब तक के लिए बाय प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो